यशस्वी जायसवाल से नंबर एक का ताज छिन गया है। बात अगर करें WTC साइकिल 2023 से 2025 की, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी अगर इस दौरान कोई थे वो यशस्वी जायसवाल थे, लेकिन अब पहले नंबर से खिसककर यशस्वी जायसवाल दूसरे नंबर पर आ गए हैं और पहले नंबर पर पहुंच गए हैं इंग्लैंड के जो रूट। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक भारत के यशस्वी जायसवाल पहले नंबर पर थे, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जो रूट इस मामले में अब एक नंबर पर आ गए हैं। जो रूट ने साल 2023 से 2025 के बीच WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में 14 मैचेस की 25 पारियों में कुल 1127 रन बनाए हैं और उनके नाम 3 शतक और 6 अर्धशतक हैं और वो 1100 यानी कि 1100 से ज्यादा रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज हैं इस पूरी साइकिल में 2023 से 2025 तक की। और वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें, कुछ दिन पहले तक नंबर एक पर थे, अब नंबर दो पर आ गए हैं। और WTC साइकिल की बात करें तो 9 मैचों की 16 पारियों में उन्होंने अब तक 1028 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि इन दोनों बल्लेबाज यानी कि जो रूट और यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी और ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने 1000 से ज्यादा रन बनाए हों इस पूरी साइकिल में। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो इस दौरान 3 शतक और 4 अर्धशतक उन्होंने जमाए हैं। आप सभी को याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो IPL से पहले खेली गई थी, 2 दोहरे शतक उन्होंने लगाए थे बैक टू बैक और काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन फिलहाल दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं और जो रूट जो है पहले नंबर पर पहुंच गए हैं यशस्वी जायसवाल। हालांकि अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में उनके पास मौका होगा कि वो एक बार फिर से अपना नंबर एक का जो स्पॉट है, जो पोजीशन है, वो फिर से हासिल कर सके। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज में यशस्वी जायसवाल फिर से इस साइकिल के नंबर एक बल्लेबाज बन जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।